ये इससे सचेत होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तैयारी कर ली। आप लोग होली नहीं मनाएंगे इसमें? नहीं, होली मनाना नहीं मनाना तो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि उसकी पूरी तैयारी हो गई है और जो वायरस है उसके बारे में पूरा बिहार की सरकार और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। सर, मानते हैं इस बात को कि होली जो है ना सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का, और ऐसे समय में जो माननीय है, खासकर आप लोगों के लिए भी, आप लोग होली मिलन समारोह करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, कई आप खुद होली कई वर्षों से नहीं मनाते हैं, इसलिए नहीं मनाते हैं कि मेरे माता जी का निधन उसी दिन हो गया है, तो हम तो खुद होली नहीं मनाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा इशू है देश के सामने, तो सब लोगों को इस समय संयम बरतना चाहिए। कोरोना वायरस के बारे में क्या जानकारी है? कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस तो जो पूरे देश और दुनिया में जो चर्चित है वो आ रहा है, जो खबर आ रही है उसके स्वास्थ्य विभाग उसकी जांच कर रही है कि जांच करके कार्रवाई करती है। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, इतने सारे विधायक अंदर बैठते हैं, क्या इसका लेकर कुछ लेकर जागरूक आप करते हैं कि विधायक मास्क पहन के आए? विधायक जो यहाँ बैठते हैं सब लोग जागरूक हैं, ये 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख के प्रतिनिधित्व करते हैं, ये जागरूक लोग हैं, ये जनता को जागरूक करने वाले हैं, इनको जागरूक करने की जरूरत नहीं है, ये खुद सचेत। सदन के पटल पे जांच रिपोर्ट रखे जाएंगे जो मांग विपक्ष से हुई है, तो रखा जाएगा, उसमें कहाँ दिक्कत है? सरकार ने कहा है कि रखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सरकार बिल्कुल, जो घटना घटी है सरकार दुखी है, और सिर्फ दुखी ही नहीं है, इसके लिए सरकार ने कई निर्देश दिए हैं और वो सब पर कार्रवाई हो रही है कि आगे इस तरह की घटना नहीं हो, इसकी जाँच भी कराई गई और जांच के बाद जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है, और कार्रवाई छोटे से बड़े स्तर तक कार्रवाई हुई है। और माननीय विधानसभा के जो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब सदस्य हैं, आरजेडी के जो सदस्य हैं, उन्होंने जो सवाल उठाया उसका बहुत बारीकी से सरकार ने जवाब दिया, न किसी को बचाया और न किसी को फंसाया। जवाब देने के बाद भी अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं थे और फिर आसन से उन्होंने अनुरोध किया कि आसन इसको देख ले, तो आसन ने भी निमन दिया कि मैं खुद इसको देखूंगा, अगर कुछ इफ वट हुआ है तो उस पर सरकार को निर्देशित करेंगे।